हाँ चलिए, आज का जो क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका फर्स्ट लेसन कहा जा सकता है, आपका आपके सिलेबस के हिसाब से जो 2022 में आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक, आप मैंने पहले ही बता दिया था कि जियोमॉर्फी प्रोसेस जो है वो आपका पहला जो है आपका जियोमॉर्फी प्रोसेस का वर्क्स ऑफ ग्राउंड वाटर, ये आपको करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसी से आपका एक LAQ कंफर्म है कि आ जाएगा। अब है इस चैप्टर से जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में 2022 में। यहाँ आप क्या करोगे, अगर ये फाइल को आप लिखते हो, ये फाइल को आप लिखते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना नेम लिख लोगे और यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर में 2022 के लिए, HS 2022 के लिए जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा, एक आपका LAQ आएगा, ठीक है। कितने नंबर का हो गया, 7 नंबर का, तो टोटल मार्क्स हो गया 7। दूसरा MCQ आएगा, कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, तो कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 3 हो गए। SAQ कितना है, 2 क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो ये 2 नंबर होगा। टोटल मार्क्स कितने आएंगे इस चैप्टर से, 12 12 आएगा, ठीक है। हम लोग इसमें अभी जो पढ़ने वाले हैं वो आपका सिलेबस के बारे पढ़ेंगे और स्टडी मटेरियल के बारे पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आएगा नोट्स, ये सब नोट्स वगैरह इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का प्रोसेस। तो आज में हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे अपने सिलेबस पे। तो लेसन नंबर 1 का जो सिलेबस है आपका, वो आपका 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जो कि आपका ये सब है, एक्सोजीनियस प्रोसेस, जो आपका ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन, वेदरिंग और एजेंट, ये आपका आज का क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये आज आज जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया वर्क्स ऑफ ग्राउंड वाटर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो ये हम लोग अगला वाले में करेंगे, और इसी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये सी नंबर जो है वो क्या हुआ है, एक्सक्लूडेड फॉर 2022, यानी ये आपको 2022 के लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना नहीं है। पढ़ना, नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये पहला जो टॉपिक है आपका, इससे आपका MCQ और ACQ ज्यादातर आता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो हम लोग चलिए उसी तरह से हम लोग देखेंगे इसको। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जैसा आप लोग को दिखाई दे रहा है, यस सर। चलो जियोमॉर्फिक एक्सोजेनियस प्रोसेस, ये आपका टोटल ये सिलेबस है, ये सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, जियोमॉर्फिक को अगर हम 2 भाग में बांटे तो वो क्या होगा, एक तो होगा जियो और एक क्या होगा, मॉर्फिक, ठीक है। तो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है भूमि, और मॉर्फिक का मतलब होता है आकृति, यानी भूमि की आकृति। अब ये बताओ, हमारे पूरे पृथ्वी पर भूमि जो है वो सब एक ही आकार का है ना, अलग अलग आकार का है, अलग 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 आकार अलग का है। आकार का है। अलग अलग है। कहीं पर देखोगे तो क्या है, पर्वत है, कहीं पर देखोगे तो क्या है, पठार है, ये सब क्या है, पठार पठार है, ठीक है। कहीं पर देखोगे तो ये क्या है, प्लेन है, यानी कि मैदान है। कहीं पर देखोगे तो मतलब क्या है, नदी है, तो कहीं क्या है, समंदर है, कहीं पर क्या है, लेक यानी कि झील है, कहीं पर देखो तो क्या है, वाटरफॉल निकल रहा है वहां पे, ठीक। तो ये सारे जो आकृतियां हैं, ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। और प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि ये सब बनता कैसे है, मतलब जियोमॉर्फिक जो भू की आकृति है वो किस रूप से बनता है, कैसे करके बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। यस यस सर। चलो अब आते हैं नीचे वाले फोटो में, देखो तो नीचे वाले फोटो में तुमको क्या क्या दिख सकता है। तो यही है आपका जियोमॉर्फिक, जिसमें आपका पहले माउंटेन दिखाई दे सकता है, यहाँ ऊपर में सफेद सफेद है, वो क्या है, आइस आइस है, वहां से ग्लेशियर निकल सकता है, ठीक है, वहां से नदियां निकलती है, प्लेन होता है, प्लेटो होता है, तो बहुत सारा है। तो ये सारे चीज हमको देखने को मिलते हैं। अब इसके कारण कौन से हैं, इसके कारण जो है मुख्यतः 2 प्रकार के कारण है, ठीक है। वो 2 प्रकार के कारण कौन कौन से है, देखिए पहला जो मतलब 2 तरह का कारण है, इसको 2 भाग में हम लोग कैसे बांट सकते हैं, इस तरीके से। एक तो पृथ्वी के अंदर, अगर पृथ्वी के अंदर से अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोजेनेटिक प्रोसेस, ठीक है। और पृथ्वी के बाहर से, मतलब बाहर मतलब जैसे अब यहाँ सूरज दिया हुआ है, बाहर तो हवाएं भी है, वर्षा भी है, नदी भी है, तो इस बाहर के वजह से अगर कोई प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक। तो एंडोजीनियस फोर्स वो क्या होता है, जमीन के अंदर से। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हो क्या क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, जमीन के अंदर से क्या ऐसा घटना घटता है जिससे हमारी भूमि की संरचना बदल जाती है, बताओ तो कोई उदाहरण। लावा, ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी होती है जिसके कारण लावा, भूकंप होता है, ठीक
ज्वालामुखी होती है, जिसके कारण क्या होता है, नए नए भूमि का निर्जरचना होता है, भूकंप होता है, और एक होता है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है कि प्लेट जो होती है ना वो एक दूसरे की तरफ आती रहती है, तो एक जो होता है वो नीचे चला जाता है और एक क्या होता है ये ऊपर उठते जाता है। ठीक है, एक नीचे चला गया एक ऊपर चला गया, इसी तरह से क्या होता है नया भूमि का रचना होता है। तो जो तुम लोग सुनते हो ये हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत भी प्लेट टेक्टोनिक पे ही खड़ा है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया एंडोजेनियस फोर्स। ये आपका सिलेबस में नहीं है, जो 11th क्लास का सिलेबस में था। आपका था, आपका सिलेबस में है एक्सोजीनियस प्रोसेस। एक्सोजीनियस का मतलब पृथ्वी के बाहर में जो बल है वो काम कर क्या करती है। जैसे बाहर में क्या होते हैं, नदियां काम करती है। ठीक है, आप देखोगे कि जो समंदर है, समंदर का जो ये यहाँ पर देखो नदी क्या हो रही है, नदी आप बह रही है। ठीक है, और बहते बहते में क्या करती है, कुछ कुछ भागों को काट काट के ले आती है कि नहीं, सामने की तरफ यस सर, बहा कर ले यस आती है, वहां से पत्थर वगैरह या बालू कंकर बहा कर ले आती है और नया भूमि का रचना करती है। तो ये हो गया नदी वाला। ये समंदर देखो, समंदर बार बार किसी तट से टकराएगा तो उसको काट काट के क्या, देखो यहाँ पर इतना बड़ा तट है लेकिन काट काट के देखो छोटा कर दिया कि नहीं। यस सर, तो यस ये हो गया सर, समंदर की वजह से हो रहा है, तो ये जमीन के बाहर हो रहा है तो उसको देखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर हवाओं के द्वारा, हवाओं के द्वारा क्या होता है, अगर हम वायु विंड के द्वारा देखेंगे, बहुत सारा यहाँ पर कंकर बालू है लेकिन हवा आने के कारण क्या हो गया, साफ हो गया कि नहीं, ये पूरा यस सर, ये हो गया। यस उसके बाद आप सर, ग्लेशियर देखेंगे। ग्लेशियर क्या होता है कि मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, तो बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर नीचे ले आती है और जमा कर देती है, तो इसको ग्लेशियर की वजह से भी होता है। तीसरा देखेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब कि भूमि जो होती है अचानक से कट के क्या होती है, नीचे गिर जाती है। देखो ये भूमि पूरा है तो ये कट के नीचे गिर गई है कि नहीं, यस सर, जब यस कट के सर, नीचे गिरेगी तो यहाँ पर नया भूमि का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया एक्सोजीनियस फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे एक्सोजीनियस फोर्स जो होता है वो पृथ्वी के बाहर से लगाया गया बल होता है जिसकी वजह से पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन होता है। अब इसमें जो कुछ फीचर्स है, क्या फीचर्स है, ये सारे बल कहाँ के होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स मतलब पृथ्वी के बाहर से ही होते हैं, पृथ्वी के अंदर से कोई बल नहीं होता है। नंबर दो, प्रोसेस जो होता है उसका 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है काट छाट करना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। इरोजन क्या है, इरोजन मतलब होता है छोटे टुकड़े को लेकर जाना, और डिपोजिशन का मतलब होता है जमा करना। क्लियर हुआ ये चीज। यस सर, यस सर, मान लो ये पत्थर है, ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया है, बट गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेदरिंग कहेंगे। क्या यस कहेंगे सर, इसको, वेदरिंग। अब कोई हवा वेदरिंग, द्वारा मतलब मान लो हवा द्वारा क्या हो रहा है, ये उड़ उड़ के क्या हो रहा है, दूसरी जगह के जाके जमा हो रहा है, मतलब ये अगर ये उड़ उड़ के जा रहा है यहाँ से, या नदियों के द्वारा क्या हो रहा है, इसको बहाकर ले जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इरोजन कहेंगे। यस सर, और डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन मतलब जाके कहीं पर जमा कर देना। तो मान लो यहाँ आके इसको क्या किया, जमा कर दिया, तो ये हो गया डिपोजिशन। तो ये 3 तरह से प्रोसेस चलता है, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। अच्छा, टाइमिंग जो होता है इसका, टाइमिंग क्या होता है, बहुत स्लो चलता है ये, मतलब बहुत तेजी से नहीं, बहुत धीरे धीरे क्या करता है ये काम होता है। लेवलिंग, लेवलिंग का मतलब होता है ये क्या करती है, पृथ्वी को लेवल करती है। कहीं ये ऊंचा है पृथ्वी और कहीं क्या है, गड्ढा है। तो अगर मान लो ये ऊंचा वाला जो जगह है यहां से इसको काट छाट कर छोटा करती है इसको, ठीक है, और जो गड्ढा वाला जगह है उसको भरती जाती है कि नहीं, यस सर, यस सर, तो इसको इस लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, तो काटने छाटने को कहते हैं डिग्रेडेशन और जमा करने को कहते हैं एग्रेडेशन। तो ये डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है, कटाई छटाई हो रही है, और एग्रेडेशन में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो इसको कहते हैं, लेवलिंग, जो कि हम लोगों को एक्सोजेनस प्रोसेस में देखने को मिलता है। रिजल्ट नया जन्म का, नया भूमि का क्या होता है, निर्माण होता है, तो वो हम लोग आगे जानेंगे कैसे निर्माण होता है। क्लियर हुआ यहां तक। यस सर, यस नेक्स्ट, सर, अब आते हैं हम लोग ग्रेडेशन पे। ठीक है, जो हम लोग का टॉपिक है आपका ग्रेडेशन, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ग्रेडेशन जो है एक वर्ड, ये देख सकते हो यहाँ ग्रेडेशन लिखा हुआ है। यस सर, अच्छा, ग्रेडेशन में एक वर्ड है आपका ग्रेड। ये ग्रेड वर्ड कहाँ से आया, सबसे पहले ग्रेड वर्ड का यूज किया था जीके गिलबर्ट ने, और आपका एमसीक्यू में आता है। ठीक है, कि ग्रेड वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, जीके गिलबर्ट। जीके गिलबर्ट ने एक एक परीक्षण किया था। क्या परीक्षण किया था, ये वाला। उन्होंने क्या किया था, नदियों के जो बहाव होते हैं, नदी क्या होती है ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, जैसे कि देख रहे हो आप, नीचे ऊपर से क्या हो रही है, नीचे की तरफ ये बह रही है कि नहीं। यस सर, अच्छा, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ बहती है तो
जीके गिलबर्ट ने इसको तीन ग्रेड में बांटा था। तीन ग्रेड क्या है, ये मान लो इसका पहला ग्रेड, ये आपका हो गया सेकंड ग्रेड, और ये हो गया आपका थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में क्या था, फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि ये बहुत ऊपर से, मतलब जैसे मान लो ये आपका पर्वत है, ये पर्वत से ऐसे ऐसे करके पर्वत है, तो यहां से जब नदी बहेगी नीचे की तरफ में तो बहुत तेजी से बहेगी कि नहीं। यस सर, जब बहुत तेजी से बहती है तो आसपास पूरा कटाव, मतलब पत्थरों को काट काट के ले आएगी कि नहीं, नीचे हाँ काटेगी। तो जब काटता है, इसको काट छाट के नीचे ले आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं एक्चुअली, इसको कहते हैं, मतलब अभी तो हम लोग डिग्रेड कह रहे हैं, पर इसको हम लोग वेदरिंग कह सकते हैं कि नहीं, यस सर, बोल सकते हैं। मतलब काट छाट रहा है तो वेदरिंग यस हो रहा है, सर, और उसको एक साथ हाँ इसको नीचे भी ले आ रहा है, तो ये इरोजन भी है कि नहीं, हाँ दोनों, यस मतलब सर, काट, एक एक तो काट छाट रहा है और दूसरा लेके भी आ रहा है, तो वेदरिंग भी हो जाता है और इरोजन भी हो जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जब धीरे धीरे ये मैदान की तरफ आ जाते हैं, मतलब देखो सेकंड सेकंड पहला पोजीशन में तो सिर्फ काटती है, सेकंड पोजीशन में क्या करती है, वो उसको बहा कर ले आती है यहाँ पर, जहां पर क्या होते हैं बड़े बड़े पत्थरों को यही छोड़ देती है, और छोटे छोटे पत्थरों को फिर ये आगे ले जाती है। तो बड़ा बड़ा पत्थर को यहाँ छोड़ देना, इसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं कि नहीं, यस ठीक है। और लास्ट में आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करती है, यहाँ इरोजन नहीं करती है, काटती छाटती नहीं है, केवल एक ही काम करती है, क्या करती है वो, जमा डिपोजिशन करती है, जमाव करती है, डिपोजिशन। तो बताओ ये जो वेदरिंग होना, इरोजन हो रहा और डिपोजिशन होना, यही है कि नहीं ग्रेडेशन, यही है कि नहीं एक्सोजिनियस प्रोसेस में यही होता है कि नहीं तीनों। यस हाँ, तो सर इसी को, तो ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरा प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं ग्रेडेशन। क्या कहते हैं, ग्रेडेशन ग्रेडेशन, ठीक है। और ये ग्रेड, ये इन्होंने जब नदियों के बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये ग्रेड वन है, ये ग्रेड टू है, ये ग्रेड थ्री है, तो ये काम वही हो रहा है, ठीक है, मतलब काटने छाटने का और जमा करने का। इसीलिए ग्रेडेशन जब लिखा, मतलब यूज किया गया कि हाँ इसमें पृथ्वी पर भी काट छटाव और जमाव होती है, तो सबसे पहले जीके गिलबर्ट ने इसको ग्रेड कहा था, और बाद में इसी को, जो बाद के वैज्ञानिक लोग आए, जितने भी बाद में भूगोलवेत्ता आए, वो इसको इसी रूप में लेने लगे, और इसका नाम पड़ गया ग्रेडेशन। क्या नाम पड़ा, ग्रेडेशन। यस समझ में आया ग्रेडेशन क्या है, यस सर, ठीक है। तो आप ग्रेडेशन किसे कहते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो ना हिंदी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम। अच्छा चलो इंग्लिश मीडियम में भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में तो क्लास हो ही रहा है, इंग्लिश में समझ लेना है, इसको हो जाएगा, वैसे नोट्स तो मैं दूंगा ही बाद में। देखिए यहाँ पर, ग्रेडेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनइवननेस ऑफ द लैंड सरफेस एंड मेकिंग इट अ लेवल लैंड। मतलब ग्रेडेशन क्या है, एक रिमूविंग, मतलब कि आपको अनइवननेस, मतलब ये ऊंचा जगह है, ये नीचे जगह है, तो ये ऊंचा जगह का सामान को लाके नीचे जगह में भर देना, इसको लेवलिंग कहते हैं कि नहीं। यस सर, यस तो सर, यस इसी को, सर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेडेशन किसे कहते हैं, तो ग्रेडेशन एक प्रोसेस है जिसमें अनइवननेस, मतलब जितना भी अनइवननेस, ऊपर ऊंचाई निचाई होती है लैंड सरफेस का, उसको क्या जाता है, लेवल किया जाता है, ऊंचा को नीचा को सबको बराबर किया जाता है। समझ में आया। यस सर, हाँ, यस सर, अब एक टॉपिक आता है डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन को हिंदी में कहते हैं निम्नीकरण, और एग्रेडेशन को कहते हैं भूमि वृद्धि। तो साफ नाम से समझ में आता है, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होगा कि कटाव छटाव करके छोटा कर देना, ठीक है। तो ये देखो, ये जो भूमि है, ये ऊंचा जगह है, इसको काट छाट के अगर छोटा कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं। यस सर, यस सर, हाँ, और अगर काट छाट के छोटा करके इसको ले जा रहा है, और कहीं पर जाके इसको जमा कर दे रहा है, यहाँ देखो जमा हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर जमा कर दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एग्रेडेशन कहेंगे कि नहीं। यस सर, तो ये भूमि, ये जो भूमि है, ये ऊंचा जगह है, वो क्या हो रहा है, निम्नीकरण, मतलब नीचे हो रहा है, और ये जो नीचे वाला जगह था, वो क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। क्लियर हुआ। यस सर, यस, अच्छा, अब एक सवाल आता है एग्जाम में कि आपका डिग्रेडेशन के वजह से, ठीक है, कि डिग्रेडेशन के वजह से आपका कौन सा भूमि का निर्माण होता है, या कौन सा, मतलब मरुस्थल का निर्माण, मतलब कोई भी चीज का, जैसे डिग्रेडेशन के द्वारा क्या निर्माण होता है, ये दोनों की वजह से, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन के वजह से आपका रेगोलिथ बनता है, क्या बनता है। रेगुलेट, अच्छा, रेगोलिथ जो है ना, हर जगह अलग अलग यूज होता है, रेगोलिथ आपको सोयल चैप्टर में भी मिलेगा,
ठीक है, ये एक प्रकार की ये क्या होती है, भूमि होती है। आप यहाँ देखोगे, अगर इसको मैं बड़ा कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पर, देखो तो ये भूमि के यहाँ पर चारों तरफ ये चट्टान आपको दिखाई दे रहा है, ये चट्टान, ये चट्टान। पहले पहले ये ऐसा नहीं था, पहले क्या था, यहाँ पर बहुत सारे मतलब ये बहुत बड़ा चट्टान था। धीरे धीरे कट कट के कट करके इसकी जो छोटे छोटे कण हुए वो बाहर चले गए, और जो जो मजबूत कण हो गया वो बच गया। इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलेट रेगुलिथ। ठीक है, तो रेगुलिथ किसे कहते हैं, समझ में आया? यस ओके, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इस पे कि डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन से होता क्या है। ये आप पहाड़ देख रहे हो, देख रहे हो ना, सर ये पहाड़ जो यस सर है, और ये मान लो कि मैदानी भाग है। ये क्या है, एक मैदानी भाग है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पहाड़ जो है वो कट छट के, मतलब इसके नदियों के द्वारा हो, ठीक है, या हवाओं के द्वारा हो, कट छट के ये नीचे की तरफ आती है, और आते आते क्या होती है, नीचे भाग को भरती चली जाती है, या नीचे भाग को भरते चले जाते हैं। ऊपर से जो कट छट के आया उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन, और नीचे आके जमा हो जाना उसको क्या कहते हैं, एग्रेडेशन एग्रेडेशन। और दोनों की साथ में क्रिया को क्या कहते हैं, ग्रेडेशन हम लोग कहाँ थे, यही था ना कि आपका जो भूमि होता है, ऊपर की भूमि क्या होती है, वो घट के नीचे चली जाती है, उसको एग्रेडेशन डिग्रेडेशन कहते हैं, और जो नीचे जमा होता है उसको क्या कहते हैं, एग्रेडेशन कहते हैं। एग्रीडेशन क्लियर? ठीक है, यस सर आपका एग्जाम में क्या आ सकता है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि रेगुलित क्या से बनता है, तो क्या बोलोगे आप, रेगुलित का निर्माण क्या से होता है, डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन और से। एग्रीडेशन नहीं बाबा, डिग्रेडेशन, सर ओनली ग्रेडेशन डिग्रेडेशन बोल और रहा हूँ, ओके सर डिग्रेडेशन बोलना, क्योंकि जो देखो यहां से छूट कट कट के चला गया, जो बच गया वही ना डिग्रेडेशन हुआ, जो चला गया उस, जो जमा जमा हो के नहीं बनता है, ये टूट टूट के बनता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर कोई एक पत्थर है, चलो ये पत्थर मान लो, ये पत्थर क्या हुआ कि टूट टूट के ये इतना छोटा छोटा होते 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 ये ऐसा होके ये ऐसा बच गया है। ठीक है, ये जितना बाहर का भाग है, ये वाला जो भाग है वो बाहर भाग, मतलब ये डिग्रेडेशन होके क्या हो गया है, बाहर चला गया है, और ये जो इतना भाग ये जो बच गया, इसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलित कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेगुलेट रेगुलित कहते हैं। तो इसका मतलब यही है क्या कि रेगुलित किसे कहते हैं, जो भूमि बच गया उसको रेगुलित कहते हैं। तो वो हो गया, क्लियर? यस अब एग्जाम में आता है आपका कि एजेंट ऑफ ग्रेडेशन कौन कौन से है। दो एजेंट का नाम बताओ जो ग्रेडेशन को संपन्न करते हैं, मतलब एक तो होता है उठाना, एक तो तोड़ना, तोड़ के लेके जाना और जाके जमा करना। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से एजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो देखिए। पहला तो हो गया क्या, रिवर, पहला क्या होगा, पहला रिवर है आपका रिवर, सेकंड क्या हो गया, ग्लेशियर। अच्छा, यस रिवर रिवर कैसे करती है, मैंने आपको पहले ही बताया ना एक फोटो में, ये वाले में बताया था ना, ये रिवर क्या करती है, ये देखो रिवर, रिवर क्या कर रही है, इधर से इधर आ रही है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपने अगल बगल के चट्टानों को काट काट के आगे ले जाती है कि नहीं। यस सर तो यस सर अभी देखो रिवर का पतला है, देखो बाद में ये देखो चौड़ा हो गया कि नहीं, ये देखो काट काट के ये छोटा कर दिया है कि नहीं इसको। यस सर तो ये हो गया आपका रिवर की वजह से। अब दूसरा है आपका ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या करती है, बड़े बड़े चट्टानों को ढोकर नीचे ले आती है। ठीक है, कैसे देख सकते हो, यहाँ देखिए ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर किसे कहते हैं एक्चुअली पता है, आइस को ये सर मीन्स देखो जो यहाँ पर ये जो तुमको पर्वत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, यस सर यस सर ये पर्वत जो है, ये मतलब मान लो कि ये जो पर्वत है, ये पर्वत का इतना भाग ये नदी के रूप में बहती है। ठीक है, और उसके ऊपर में क्या होता है, ये जो जितने भी नदी जो है, नदी में जो आइस वगैरह होते हैं, मतलब जितना भी मतलब बर्फ वगैरह होते हैं, वो साथ में इसके साथ तैरते हैं। ठीक
ठीक है, ऊपर से ही तैरते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं ग्लेशियर। तो ये बहुत बड़ा भूभाग होता है जो नीचे की तरफ तैरता है, तो वो बड़े बड़े चट्टानों को उठा के ले आती है। समझ में आया? तो ये ग्लेशियर जो ये ग्लेशियर जो है वो क्या करती है, ये ग्लेशियर जो है वो बड़े बड़े चट्टानों को नीचे लाकर क्या करती है, जमा करती है। तो ये भी हो गया आपका कारण ग्लेशियर। अच्छा, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जो होता है आप इसके बाद वाला चैप्टर में पढ़ोगे, बाद वाला क्लास में पढ़ोगे। अच्छा, विंड, विंड के कारण भी होता है कि नहीं, हवा के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े बदलते हैं, हवा के द्वारा क्या होता है, उठा के लाता है और दूसरी जगह पर रख देता है। फिर उसके बाद में आपका ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर का पानी भी क्या करती है, बहुत सारे मतलब नया चीज को जन्म देती है। उसके बाद में ओशन वेव, ओशन वेव इसके पहले वाले में बताए हम, या देखो समंदर का पानी जो क्या होता है, ये बार बार देखो इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, टकराते टकराते देखो इसको इस रूप में बदल दिया कि नहीं। तो ये हो गया ओशन वेव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड वाला हमने बताया था आपको, ये वाला देखो लैंडस्लाइड क्या हो रहा है, जमीन नीचे की तरफ क्या होती है, चली जाती है, तो देखो खोखला हो गया कि नहीं। तो ये हो गया, तो समझ में आया ये सारा एजेंट ऑफ ग्रेविटी। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, दो एजेंट का नाम बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब एजेंट का नाम याद रखना है, ठीक। अच्छा, अब वेदरिंग किसे कहते हैं, वेदरिंग किसे कहते हैं, आप लोग क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़े ही होंगे। वेदरिंग किसे कहते हैं, कोई भी चट्टान का या कोई भी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, इसी को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेदरिंग वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटने का बहुत सारा कारण हो सकता है। सूरज जो है वो क्या होती है, बहुत गर्म होती है, दिन के समय सूरज इसके ऊपर में क्या करेगा, इसके ऊपर जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो ये फैलेगा, और रात को क्या होगा, ठंडा होगा, फैलेगा ठंडा होगा, फैलेगा ठंडा होगा, तो इससे क्या होगी, इसमें चटकाव आ जाएगी कि नहीं, चटकन आ जाएगी कि नहीं, ये चटक जाएगा कि नहीं, यस जब चटक सर और टूट जाएगा जाएगा तो फिर। टूट जाएगा, तो इसको कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि बारिश हो रही है, ठीक है। अब बारिश के वजह से क्या होता है कि एक ही पत्थर पे अगर बारिश पड़ता रहे बार बार तो वो क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो इसको तीन भाग में बांटा गया है आपके सिलेबस के अनुसार। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग वो होता है जिसमें बाहरी कारक द्वारा, जैसे सूरज हो गया, ये आपका वर्षा हो गया, उसके बाद आपका नदी हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। ये सब कारण, ये सब के कारण के वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, ये सब क्या है आपका फिजिकल वेदरिंग है। उसमें हम लोग भी है, इंसान भी है। इंसान क्या करते हैं बताओ तो थोड़ा हमको। इंसान पशुओं को मीन्स चराते हैं, तो गाय वो हाँ, घास खाके कमजोर गाय कर वगैरह देती है। कमजोर कर देती है, उसके वजह से टूट जाता है। और ऊपर से एक तो और भी है, इसके बाद दिमाग बहुत है, ठीक है। वो क्या करती है, इसमें बम फिट करती है और उड़ा देती है इसको, तो छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाता है कि नहीं। बाद बाकी तो धीरे करता है ये, इसके पास बहुत दिमाग है, ये जो है ना आदमी, ये इसके पास बहुत दिमाग है, इसको सब पता है कि कैसे क्या होता है। वो क्या करती है, जो ये 200 साल लगेगा इसको करने में, वो इसको 2 मिनट में कर देती है, बम रखती है उड़ा देती है। आप लोग सुने होंगे पहाड़ में बहुत सारा बम रख के उड़ाया जाता है ताकि वो पत्थर वगैरह निकले, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्री में काम आता है, हमारे यहाँ आसपास बहुत है ऐसा, ठीक है। सीमेंट वगैरह बनाया जाता है, तो ये इंसान सबसे बड़ा कारण है वेदरिंग का, ठीक है। अब आते हैं आपको केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है, सोडियम होता है, ये सब बहुत सारे चीज होते हैं जो हमारे वायुमंडल में होते हैं। उसी तरह से पानी वगैरह में ये सब चीज पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि ये चट्टान में वो पानी घुस गया, अब पानी घुसने की वजह से कुछ ना कुछ मतलब केमिकली कुछ एक घटना घटती है जिसके कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, क्लियर। अच्छा, अब बायोकेमिकल क्या है, बायोकेमिकल क्या है कि मान लो कि पत्ता, अगर पत्ता जो है वो बायो है, बायो मतलब कि जीव जीवित था ये पहले, अभी ये मर गया, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल होंगे कि नहीं, होंगे होंगे। तो ये अगर मान लो नीचे जाके सड़ रहा है, सड़ते सड़ते मान लो इसको उठा के कोई ले गया और कहीं पर जाके रख दिया, तो उसमें क्या होगा कि मान लो कोई कारणवश ये जैविक चीज जो हो गया किसी जाके फंस गया, तो वहां पर रिएक्शन करके उसमें बायो भी होता है और केमिकल दोनों मिलके क्या करती है, उस चीज को तोड़ देती है। जैसे सिंपल उदाहरण देखेंगे हम लोग, तुम लोग कहीं पर जमीन के वहां पर देखोगे, जहां पे वो मतलब कहीं कहीं पर देखो भूरा 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 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है, ऐसे ऐसे देखे हो कभी, देखे हो नहीं, नो देखे हो ना, वो बायोकेमिकल होता है जिसमें क्या होता है कि मतलब मान लो कोई आदमी मर गया, ठीक है, आदमी मर गया तो उसका जो अंदर का जो केमिकल्स है वो जमीन के अंदर घुसेगी कि नहीं,
हाँ और उसके वजह से क्या होता है कि झुड़ मतलब जो पत्थर है वो टूट जाती है, ठीक है। तो वो होता है बायोकेमिकल वेदरिंग। इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस सिर्फ समझना था कि फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है और बायोकेमिकल वेदरिंग होता है। तो आपका जो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा? पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा? ये हम लोगों ने ये वाला को कंप्लीट किया कि नहीं आज? ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, यस एग्रेडेशन, वेदरिंग और एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। क्लियर हुआ? यस यस सर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन सा करेंगे? ये वाला आज कंप्लीट हो गया, हुआ ना? ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में यस करेंगे। सर। इसी में आपका, बहुत सारा मतलब क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। हो यस सर। गया। चलो तो आज यस का सर। क्लास हम लोग यहीं पे, क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और आपका वो वेबसाइट में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। आपको वेबसाइट बोलते हैं, आपका जो एप्लीकेशन है उसमें जाना, कहाँ जाना? पहले आपका ज्योग्राफी में जाओगे, वहाँ कंटेंट कंटेंट में जाओ, उसके बाद यहाँ देखो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जाओगे, लेसन वन, ठीक है। अरे यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना? रुको एक मिनट, मैं नो अभी सर। सर डाल दे, मैं अभी डाल देता हूँ। ज्योग्राफी स्टडी मटेरियल आपका, स्टडी मटेरियल फॉर HS 2022, ज्योग्राफी क्लास 12। चलो आ गया ये, ठीक है। अभी तुम लोग देखोगे तो वो दिखाई देगा। क्लियर? यस सर। हेलो। चलो ठीक है, तो यस आज का क्लास सर। यहीं खत्म, करते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने अभी क्लास कराया है, इसका मैं रिकॉर्डेड वगैरह वहां पे डाल दूंगा, तो जिसको नहीं देखा है फिर दोबारा भी देखने से देख सकते हो। ओके, थैंक यू। ओके सर सर। इवनिंग थैंक यू में सर। क्लास होगा आ ना? शाम को बोलो, क्लास होगा? आज पॉलिटिकल साइंस हेलो। का क्लास होगा शाम? पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा शाम में? ओके सर। ओके, ठीक थैंक है। यू सर। ओके, थैंक यू।